हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। दिस इज स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस एंड इन प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड चैप्टर नंबर 13 इंडिपेंडेंट इंडिया। इन दैट वी स्टडीड अबाउट फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। दैट मीन्स कि स्टेट्स जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, बट आफ्टर दैट उन्हें रीऑर्गेनाइज किया गया ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। ओके, देन महागुजरात मूवमेंट जिसके प्रमोटर थे इंदुलाल याग्निक एंड पीपल कॉल हिम चाचा ऑफ जनता। एंड ऑन 1 मई 1960 गुजरात वॉज एस्टाब्लिश्ड, गुजरात बिकम सेपरेट स्टेट। फॉर्मेशन ऑफ गुजरात, इन दैट वी स्टडीड दैट मेहंदी नवाज जंग, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, एंड डॉक्टर जीवराज मेहता बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। रविशंकर महाराज इनोग्रेटेड द न्यू स्टेट गुजरात। नाउ थिंग्स टू नो, आज हम लोग पढ़ेंगे थिंग्स टू नो सबसे पहले, जिसमें इवन दो गुजरात एंड महाराष्ट्र बिकम सेपरेट स्टेट, भले ही गुजरात एंड महाराष्ट्र सेपरेट स्टेट बन गए, बट वी ऑल आर इंडियंस एंड बिलोंग टू द सेम कंट्री। हम सब इंडियंस हैं और सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं। मीन्स सबसे पहले हम इंडियन हैं, सबसे ऊपर कंट्री आता है, आफ्टर दैट हमारा स्टेट या रिलीजन या कुछ और आता है, सबसे ऊपर है कंट्री। यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है वो ऑल द सिटीजन्स एंड ऑल द लैंग्वेज के जो पीपल है उनमें होना ही चाहिए। दैट मीन्स के वी ऑल आर इक्वल, हमारी सर्विस इक्वल होनी चाहिए, हमारी ड्यूटी इक्वल होनी चाहिए, हमारा बिहेवियर भी सबके लिए इक्वल, मीन्स के यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो है वो फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। वी आर द सक्सेसर ऑफ गांधी जी एंड सरदार पटेल, हम लोग गांधी जी और सरदार पटेल के सक्सेसर, उनके वारसदार हैं, उनके बच्चे हैं वो गांधी जी, जिन्होंने नॉन वायलेंस के थ्रू ब्रिटिश एम्पायर को हिला के रख दिया, और वो सरदार पटेल जिन्हें हम आयरन मैन कहते हैं, हम उनके बच्चे हैं। एंड दैट्स वाई इट इज़ आर सेक्रेट ड्यूटी टू कीप अप देयर लेगेसी, और ये हमारी ड्यूटी है कि उनकी जो रिस्पेक्ट है, उन्होंने हमको जो सिखाया, जो सिखा कर गए, उसे हम फॉलो करें। मे गॉड गिव अस द स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस टू रूल इन द गांधीयन वे, स्टे रिच इन वैल्यूज इवन इन पॉवर्टी एंड सर्व आर मदर इंडिया विथ डेडिकेशन। गॉड हमें इतनी स्ट्रेंथ दे, इतना इंटेलिजेंट बनाए कि हम गांधीयन वे में नॉन वायलेंस के थ्रू रूल करें, हम वैल्यूज में रीच हो, भले हम पुअर हो बट हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ है उसमें हम रीच हो, हमारे जो आदर्श प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं उसमें हम रीच बने, और इस तरह से हम हमारी जो मदर इंडिया है, भारत को माता कहा जाता है, हमारे इंडिया के अंदर हम सबको मदर की रिस्पेक्ट देते हैं। सो इंडिया जो है वो भी हमारी मदर लैंड है, तो उसे हम सर्व करें विद द डेडिकेशन, हार्डली हम इंडियन सर्विसेज जो है या इंडिया की सर्विस करें। हमारे पास जो भी काम है पूरी ऑनेस्टी के साथ करें, वेदर यू आर आर्मी ऑफिसर, वेदर यू आर प्यून, वेदर यू आर डॉक्टर, टीचर, व्हाटएवर यू आर, बट डू योर वर्क विद ऑनेस्टी। लेट अस बिगिन द जर्नी टुवर्ड्स यूनिटी एंड प्रोग्रेस, हमारी जर्नी जो है वो यूनिटी एंड प्रोग्रेस की तरफ, प्रोग्रेस तो करना है लेकिन प्रोग्रेस से पहले दिया है यूनिटी, पहले यूनिटी होनी चाहिए उसके बाद प्रोग्रेस। हियर यू कैन सी रविशंकर महाराज साबरमती आश्रम अहमदाबाद, 1 मई 1960। 2010 जो था, बिफोर 11 इयर्स, 2010 इट वाज सेलिब्रेटेड एज द स्वर्णिम गुजरात। स्वर्णिम गुजरात से वो टाइटल देकर उसे सेलिब्रेट किया गया था, किस लिए, टू कॉमेमोरेट द 50 ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। 2010 में गुजरात को
सेपरेट हुए, एस्टेब्लिश हुए, इनोग्रेट हुए 50 ईयर्स हुए थे, और इसीलिए टू कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट दैट मीन्स के जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, जो हमारे ऐसे प्रोमिनेंट लीडर थे, इम्पोर्टेंट पर्सन, उनको रिकॉल करना, उनकी मेमोरी में उनको याद करके हमने स्वर्णिम गुजरात सेलिब्रेट किया था वो पूरा ईयर. नाउ इंटेग्रेशन ऑफ द फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनीज इनटू इंडियन यूनियन. वी ऑल नो के सबसे पहले अगर इंडिया में कोई आए थे यूरोपियन कंट्रीज से तो वो थे पोर्टुगीज पीपल. सबसे पहले आया था वास्को दी गामा, उसके बाद पोर्टुगीज पीपल भी यहाँ पर आए थे, देन डच पीपल, दिनारिक पीपल, डेनिश पीपल, एंड देन फ्रेंच पीपल, एंड देन फाइनली ब्रिटिश पीपल केम. सो बाकी सब धीरे धीरे करके चले गए, बट देन टू कुछ ऐसी कॉलोनीज मीन्स कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पर अभी भी फ्रेंच रूल एंड पोर्टुगीज रूल था, तो वो जो कॉलोनीज थी, वो जो एरियाज था, उनका इंडियन यूनियन में इंटेग्रेशन, मर्जर. सर्टन रीजन्स ऑफ इंडिया वर स्टिल अंडर द फ्रेंच और पोर्टुगीज कंट्रोल व्हेन इंडिया डिक्लेयर इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, हमने इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक डिक्लेयर किया. फिर भी कुछ ऐसी कॉलोनीज थी, कुछ ऐसे सर्टन रीजन्स थे जो फ्रेंच एंड पोर्टुगीज के कंट्रोल में थे अभी भी, जिसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इंटेग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी. फर्स्टली वी विल स्टडी इंटेग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी, जो प्रेजेंटली नॉन एज पुडुचेरी. पहले पौंडीचेरी कहा जाता था और अभी उसे पुडुचेरी कहा जाता है. पौंडीचेरी कराईकल विच इज़ इन तमिलनाडु, माहे इट इज़ इन केरला, यानम इट इज़ इन आंध्र प्रदेश, एंड चंद्रनगर इट इज़ इन वेस्ट बंगाल. ये सारे ही जो रीजन्स थे देवर अंडर द फ्रेंच कंट्रोल. पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यानम एंड चंद्रनगर ये सारे ही फ्रेंच कंट्रोल में थे. एंड पीपल ऑफ दिस कॉलोनीज वॉन्टेड टू जॉइन द इंडियन यूनियन, फॉर विच दे लॉन्च्ड अ मूवमेंट्स टू. यहाँ के जो पीपल थे वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे, उनको इंडियन यूनियन का पार्ट बनना था, और इसीलिए उन्होंने मूवमेंट भी लॉन्च की, मतलब उन्होंने भी फाइट अपोज करना स्टार्ट किया. द फ्रेंच ट्राइड टू सप्रेस सच मूवमेंट. फ्रेंच जो थे, जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें रोकने की कोशिश तो की थी, जब हम नहीं रुके तो फाइनली उनको हमें फ्रीडम देनी पड़ी. द सेम वे हियर फ्रेंच जो थे, फ्रेंच पीपल, उन्होंने भी ये मूवमेंट को स्टॉप करने की, रोकने की कोशिश की. बट इन 1948 अ यूज गैदरिंग ऑफ पीपल इन पौंडीचेरी डिक्लेयर्ड क्विट इंडिया टू द फ्रेंच अथॉरिटी. लेकिन 1948 में एक यूज गैदरिंग की गई, मीटिंग की गई, पौंडीचेरी के पीपल ने एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें सारे ही लोग इन्वाइटेड थे, पौंडीचेरी के सारे ही लोग गैदर हुए थे, और उन्होंने फ्रेंच अथॉरिटी को इंडिया छोड़कर जाने के लिए कहा. क्विट इंडिया, क्विट का मतलब छोड़ देना होता है. टू ब्रिंग आउट अ पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओपन्ड नेगोशिएशन विद द फ्रेंच गवर्नमेंट. फाइनली द फ्रेंच गवर्नमेंट अग्रीड ऑन एंड ऑन 31st October 1954 एंड सरेंडर्ड ऑल दिस कॉलोनीज टू इंडिया. सो इसका ये जो मूवमेंट है उसका पीसफुल सॉल्यूशन लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट से ओपनली मीटिंग की, नेगोशिएशन किया, मीन्स के कुछ लेट गो करना और उनसे बात करना, उनको कन्विंस करना, एंड फाइनली फ्रेंच गवर्नमेंट अग्री हो गई कि अब ये मूवमेंट को सप्रेस करना या स्टॉप करना इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, अब हम ये नहीं कर सकते. और फाइनली 31st October 1954 में, मीन्स फ्रीडम मिलने के 7 ईयर्स के बाद, फाइनली फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यानम एंड चंद्रनगर, ये सारी ही इंडिया में मर्ज कर दी गई. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द इंटेग्रेशन ऑफ पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यानम एंड चंद्रनगर. नाउ इंटेग्रेशन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन.
Portuguese were more adamant than the French. For them, Goa was the symbol of prestige. Portuguese जो थे वो French की comparison में French people जो थे वो negotiation से ready हो गए. उनको तो इंडिया को प्रोविंस देने के लिए, अपनी कॉलोनीज देने के लिए. बट पोर्टुगीज पीपल ऐसे नहीं थे, वो एम्बिशियस पीपल थे. उनके लिए ऐसा था कि गोवा एक प्रेस्टीज है, सिंबल है प्रेस्टीज का. प्रेस्टीज समझते हो ना, जो स्टेटस होता है, वैल्यू, रिस्पेक्ट, उसका सिंबल था. ऑल नेगोशिएशंस एंड टॉक्स टू सीड दिस कॉलोनीज टू इंडिया फेल. जितने भी नेगोशिएशंस किए, मतलब कि जितने भी मीटिंग की गई कि जिसमें ये सारी मैटर को डिस्कस करके कुछ नेगलेक्ट करके उसे इंडिया में मर्ज किया जा सके, या फिर टॉक्स, जितनी भी बातचीत हुई, टू सीट दिस, टू सेट दिस का मतलब कि इंडिया में उसे मर्ज करने के लिए जो बातचीत की गई, या गोवा छोड़कर जाने के लिए, गोवा दीव दमन छोड़कर जाने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने पोर्टुगीज पीपल से डिमांड की, बट वो सब फेल हो गया. ऑन द अदर हैंड, द मूवमेंट टू इंटीग्रेट गोवा इन टू द इंडियन यूनियन बिकम मोर इंटेंस एंड वायलेंट. एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टॉक कर रही थी नेगोशिएशन के थ्रू, गोवा को इंडियन यूनियन में मर्ज करने की कोशिश कर रही थी. ऑन द अदर हैंड, जो गोवा के पीपल थे उन्होंने जो अपोज, जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, और वो मूवमेंट जो है वो और इंटेंस, स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट होती गई. ऑन 15th August 1955 में 3,000 to 5,000 unarmed Indian activists attempted to enter Goa at 6 locations and were violently repulsed by Portuguese police officers, resulting in the deaths of around 200 people. 15th August 1955 means जब हमारा इंडिपेंडेंस डे था उसी टाइम पर 3,000 to 5,000 unarmed, जिनके पास वेपन्स नहीं थे, ऐसे इंडियन एक्टिविस्ट जो थे, इंडिया के जो ऐसे एक्टिविस्ट थे, जो रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी, उन्होंने गोवा को जो 6 लोकेशन थे, मतलब अलग अलग जगह से गोवा के अंदर एंटर होने की कोशिश की, जहाँ पर पोर्टुगीज पुलिस ऑफिसर जो है उन्होंने वायलेंटली उनके ऊपर अटैक किया, उनको एंटर होने से रोका, एंड इन दैट 200 पीपल जो है उनकी डेथ हो गई. When the talks and satyagraha failed, the Indian government decided to take more radical steps and launched Operation Vijay to free Goa. जब Indian people को realize हुआ, Indian government को, कि सत्याग्रह, talks, negotiation सब कुछ fail हो चुका है, Portuguese people जो है वो गोवा, दीव दमन को छोड़कर जाने के लिए ready नहीं है, तो फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो और रेडिकल स्टेप्स और स्ट्रॉन्गली स्टेप्स लेंगे, और इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया जो गोवा को फ्री करने के लिए था. दैट मीन्स ऑपरेशन विजय का मतलब होता है कि जब आर्मी या पुलिस वाले सीक्रेटली कोई ऐसा वर्क करते पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट या पर्टिकुलर पर्सन को पकड़ने के लिए, एविडेंट के एविडेंट जो है उसे कलेक्ट करने के लिए, या उसके लिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन. सो ऑपरेशन विजय उन्होंने लॉन्च किया. द मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्टेड ऑन द मिडनाइट ऑफ 18th December 1961 अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल चौधरी. मिलिट्री ऑपरेशन जो था ऑपरेशन विजय, ये स्टार्ट हुआ 17th December मिडनाइट में एंड 18th December. 17 एंड 18 दिसंबर क्यों ऐसा, क्योंकि मिडनाइट था तो 12 o'clock था, तो उससे पहले का टाइमिंग 17th, उसके बाद का 18th December 1961 में, जिनके लीडर जो थे वो जनरल चौधरी थे. सो नेक्स्ट डे आफ्टरनून तक ये जो ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय, वो कंप्लीट हुआ. इंडिया जो था वो वॉन हुआ, इंडियंस वॉन गोवा दीव एंड दमन, एंड वहाँ पर उन्होंने इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग है उसे होस्ट किया.
And that's how the last of the remains of the Western Empire were terminated from India. जो Western Empire था, European countries जो थी इंडिया में, के European rulers जो इंडिया में थे, वो भी इंडिया से terminate हो गए. अब इंडिया में कोई भी बाहर का ruler नहीं रहा. States तो already इंडिपेंडेंट हो गए थे, यूनियन टेरिटरीज एंड सम रीजन्स थे, उसमें भी पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यानम, चंद्रनगर फ्री करवा दिया. बचे थे सिर्फ 3 प्रोविंस, दैट वर द प्रोविंस वर गोवा, दीव एंड दमन, जिसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट एंड मिलिट्री फोर्स ने मिलकर ऑपरेशन विजय के थ्रू उसे भी कैप्चर, इंडिया में इंटग्रेट कर दिया. दीव, दमन एंड गोवा रिमेंड यूनियन टेरिटरीज फ्रॉम 1961 to 1987. दीव, दमन एंड गोवा जो है वो 1961 से 1987 तक यूनियन टेरिटरीज थी, बट 12 अगस्त 1987 को गोवा जो है वो यूनियन टेरिटरीज के बदले स्टेट में कन्वर्ट हुआ. ओके, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. हियर यू कैन सी, यहाँ पर ये मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये है इंडिया. पहले ये भी इंडिया का ही पार्ट था, बट इतना पार्ट पाकिस्तान ने ले लिया और इसे कहा जाता है POK, इट इज़ कॉल्ड पोक. पोक का फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. हियर इट इज़ गिवन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. सो ये इंडिया का मैप जो प्रीवियसली हमने देखा था चैप्टर नंबर 12 में, वो मैप के अंदर ये इंडिया का पार्ट था, लेकिन अब ये कश्मीर का हिस्सा, सॉरी पाकिस्तान का पार्ट है. ओके, सो हमारे इंडिया के, इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशन, हमारे पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो, द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन बिटर सिंस द इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस मिली तब से ही, और वी कैन से कि इंडिपेंडेंस नहीं मिली उससे पहले ही, 1920 में जब पाकिस्तान की डिमांड की गई, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब लीग ऑफ मुस्लिम लीग में जब डिमांड की पाकिस्तान की सेपरेट कंट्री की, तभी से हमारे दोनों कंट्री के जो रिलेशन है वो ऑलवेज बिटर ही रहे हैं. बिटर का मतलब होता है कड़वे. द डिस्प्यूट ओवर द मार्किंग ऑफ बाउंड्रीज वॉज नेवर रिजॉल्व्ड, विच हैज़ लेड टू अ कॉन्स्टेंट इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस द बॉर्डर इन इंडिया. बाउंड्रीज का जो मार्किंग है कि इतना हिस्सा पाकिस्तान का है और ये बाकी का इंडिया का है, उसको लेकर ऑलवेज डिस्प्यूटिस रहे हैं, झगड़े रहे हैं, और उसकी वजह से इंडियन बॉर्डर पर कॉन्स्टेंट इन्फिल्ट्रेशन जो है, दैट मीन्स कि कभी भी अटैक हो जाता है. और वो तो हमें पता है कि पाकिस्तान कभी भी हम पर अटैक करता है, हम उनको आंसर देते, तो वो बॉर्डर पर फाइट तो ऑलवेज चलती ही रहती है. कभी पाकिस्तान अटैक करके हमारा कोई प्रोविंस है वो कैप्चर करेगा, कभी हम उसे रोकने के लिए अटैक करेंगे, या उन्होंने जो कैप्चर किया उसे वापस लाने के लिए अटैक करेंगे. तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है. द कश्मीर इश्यू हैज़ एडेड फ्यूल टू द फायर एंड एडेड बिटरनेस इन द रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. कश्मीर का जो इश्यू है वो इश्यू ने आग में घी डालने का काम होता है ना, या आग में पेट्रोल डालना, द सेम वे कश्मीर इशू जो है उसने भी फ्यूल टू द फायर, मतलब कि आग में घी डालने का काम किया. और उसमें जो दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ऑलरेडी बिटरनेस तो थी, कड़वाहट थी, वो और इंक्रीज हुई बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू. इंडिया एंड पाकिस्तान वर एट वॉर इन द ईयर्स, 3 वॉर, एज आई एक्सप्लेन यू इन चैप्टर नंबर 12 ऑल्सो, कि इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में 3 वॉर्स हो चुके हैं. एक हुआ था 1948 में, सेकेंड हुआ 1965 में, एंड थर्ड हुआ 1971 में. ऑल द 3 टाइम्स पाकिस्तान वॉज डिफीटेड, 48 हो, 65 हो, या 71 हो, तीनों ही वॉर में पाकिस्तान जो है वो डिफीट हुआ
था। तशकेंट अग्रीमेंट एंड शिमला अग्रीमेंट, तशकेंट एंड शिमला अग्रीमेंट ये दो पोस्ट वॉर अग्रीमेंट्स साइन हुए थे। पोस्ट वॉर मतलब कि वॉर के बाद, प्री वॉर हो तो वॉर से पहले, लेकिन पोस्ट वॉर मतलब वॉर के बाद ये दो अग्रीमेंट, एक है तशकेंट एंड सेकेंड है शिमला, ये दोनों ही अग्रीमेंट साइन हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाउएवर पाकिस्तान जो है उसने दोनों ही अग्रीमेंट के जो क्लॉजेस थे, जो रूल्स थे उसमें लिखे हुए, वो अग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया। व्हेन पाकिस्तानी फोर्सेस एंटर्ड कारगिल इन 1999 CE, इंडिया हैड टू यूज़ द मिलिट्री फोर्स। जब पाकिस्तानी फोर्स जो है, मतलब पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, वो जब 1999 में कारगिल में एंटर हुई, तब इंडिया को अपनी मिलिट्री फोर्स को यूज़ करना पड़ा था। इंडिया कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 में इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, फॉलोड बाय पाकिस्तान। हैंस टुडे बोथ द नेशंस जो है दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान के पास है तो हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। इट इज़ अ सैड फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज़ नेवर रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द फ्रेंडली गेस्टर्स ऑफ इंडिया टू मेंटेन एमिकेबल रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशन। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशन। ओके, सो ये एक सैड फैक्ट है कि पाकिस्तान ने कभी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया है। जब भी इंडिया ने फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने के लिए, फ्रेंडली गेस्टर्स किए मतलब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया या फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाया, कोशिश की कि हमारे रिलेशन जो है वो फ्रेंडली रिलेशन हो, बट पाकिस्तान ने कभी भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया। अदरवाइज जितना पैसा, जितना अमाउंट हम बॉर्डर पर आर्मी ऑफिसर्स को रखकर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे, वही पैसा हम हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में लगा सकते थे, जिससे हमारी कंट्री, इवन पाकिस्तान, बोथ द कंट्रीज विल बी डेवलप्ड कंट्रीज। हम दोनों ही डेवलपिंग नेशन में से डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं अगर दोनों ही नेशन के बीच की जो प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट आउट हो जाए। जो फ्रीडम से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले का जो इंडिया था, कि जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई ब्रदरहुड वाली फीलिंग थी, राम प्रसाद बिस्मिल एंड खुदीराम बोस जैसी जो फीलिंग थी, वो वापस आ जाए, तो डेफिनेटली दोनों ही नेशन एक होकर पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड नेशन की जो रेस है उसमें आगे जा सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट हमारा जो मैक्सिमम अमाउंट है फाइनेंस जो है, वो हमारी मिलिट्री फोर्स को इंक्रीज करने में जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंडिया टुडे दैट वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो। सो लेट अस रिवाइज व्हाट एवर वी स्टडी टुडे। आज हमने जो पढ़ा उसमें ये था कि गुजरात एंड महाराष्ट्र भले सेपरेट हुआ, लेकिन गुजराती होने से पहले हम इंडियन हैं और यूनिवर्सल ब्रदरहुड हमारे अंदर होनी चाहिए। दो वी स्पीक एनी लैंग्वेज, दो वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी रिलीजन, इट डजेंट मैटर, वी ऑल आर इंडियन फर्स्ट। हम गांधी जी और सरदार पटेल के सक्सेसर हैं, उनके फॉलोअर हैं, और ये हमारी ड्यूटी है कि उनकी जो लेगेसी, उनके जो रूल्स जो उन्होंने हमें सिखाए, जो उन्होंने संस्कार हमें दिए, जो हमें सिखा कर गए, उससे हम फॉलो करें और गांधीयन के वे में जीने के लिए गॉड हमें स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस दे कि हम पैसों से भले ही पुअर हो, लेकिन वैल्यूज में, मॉरल वैल्यूज में हम रिच बने। 2010 जो है वो गुजरात एस्टेब्लिशमेंट को 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे, तो 2010 ईयर को एज अ स्वर्णिम गुजरात सेलिब्रेट किया गया था। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यानम एंड चंद्रनगर, ये सारे ही जो रीजन्स थे वो फ्रेंच पीपल के अंडर कंट्रोल थे, अभी भी उनके ऊपर फ्रेंच का कंट्रोल था, और ये कॉलोनीज के जो पीपल थे दे स्ट्रांगली वांटेड टू जॉइन इंडियन यूनियन, एंड दैट्स व्हाई दे लॉन्च्ड अ मूवमेंट, एंड फ्रेंच गवर्नमेंट ट्राई टू स्टॉप दिस मूवमेंट, बट द गवर्नमेंट फेल्ड एंड फाइनली
1948 में यूथ गैदरिंग की गई कि जहाँ पर जो फ्रेंच पीपल थे उन्होंने जो पौंडीचेरी के पीपल थे उन्होंने फ्रेंच पीपल को या फ्रेंच अथॉरिटी को इंडिया छोड़कर जाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया और इसका पीसफुल सॉल्यूशन लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रेंच गवर्नमेंट से मीटिंग की, टॉक की, नेगोशिएशन किया एंड आफ्टर दैट 31 अक्टूबर 1954 में ये जो स्टेट रीजन्स थे पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, यानम एंड चंद्रनगर, ये पांचों के पांचों इंडियन यूनियन में मर्ज कर दिए गए एंड विद दैट फ्रेंच रूल, ब्रिटिश रूल के साथ साथ फ्रेंच रूल का भी एंड आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा वो था इंटीग्रेशन ऑफ गोवा, दीव एंड दमन, जहाँ पर पोर्टुगीज पीपल जो थे उनका रूल था और वो फ्रेंच पीपल से बहुत ही अलग थे। उनके लिए गोवा जो है वो उनके प्रेस्टीज का सिंबल था और इसीलिए नेगोशिएशन, टॉक्स, मीटिंग सब कुछ फेल हो गया। ऑन द अदर हैंड गोवा के पीपल जो थे वो इंडिया में मर्ज होना चाहते थे, दे वॉन्टेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन एंड दैट्स वाई दे स्टार्टेड अ मूवमेंट विच बिकेम मोर इंटेंस एंड वायलेंट। ये जो मूवमेंट थी वो और स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट हो गई एंड 15 अगस्त 1955 में 3,000 to 5,000 ऑन आर्म्ड, जिनके पास वेपन नहीं थे, ऐसे इंडियन एक्टिविस्ट जो है वो गोवा में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे फ्रॉम द 6 लोकेशन। गोवा को 6 साइड से कवर करके वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें पोर्टुगीज पुलिस ऑफिसर्स जो है उन्होंने उन पर अटैक किया जिसमें 200 पीपल की डेथ हो गई। जब सत्याग्रह और बातचीत सब कुछ फेल हो गया, पोर्टुगीज पीपल ना तो सत्याग्रह से मान रहे थे ना ही टॉक पर वो रेडी हो रहे थे एंड फाइनली इंडियन गवर्नमेंट जो उन्होंने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गोवा को फ्री करने के लिए और मिलिट्री ऑपरेशन जो था ऑपरेशन विजय ये स्टार्ट किया गया 17 और 18 दिसंबर की मिडनाइट को 1961 में गुजरात एस्टैब्लिश होने के बाद। सो जनरल चौधरी की लीडरशिप में ये जो ऑपरेशन विजय है उसे लॉन्च किया गया एंड नेक्स्ट डे आफ्टरनून में ये जो ऑपरेशन विजय था वो कंप्लीट हो गया। इंडियंस जो है उन्होंने गोवा, दीव एंड दमन को वॉन कर लिया, जीत लिया, ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हो गया एंड उन्होंने वहाँ पर अपना इंडियन ट्राई कलर फ्लैग जो है उसे होस्ट किया एंड इस तरह से जो लास्ट थे वेस्टर्न एम्पायर के रूलर्स, पोर्टुगीज ओनली बचे थे, बाकी सारे के सारे इंडिया से चले गए थे, सिर्फ पोर्टुगीज जो बाकी थे उनका भी टर्मिनेशन हो गया, मतलब वो भी इंडिया से चले गए। दीव दमन एंड गोवा जो थी वो यूनियन टेरिटरीज थी 1987 तक, बट 12 अगस्त 1987 के बाद गोवा जो है वो यूनियन टेरिटरी के बदले एज ए स्टेट डिक्लेयर हुआ। इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप थे वो तो जैसे हमने पढ़ा कि इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन ऑलवेज बिटर ही रहे हैं, कड़वे ही रहे। इंडिपेंडेंस के बाद बाउंड्री जो है इंडिया एंड पाकिस्तान की जो बाउंड्री वो एक मैटर रहा है, वो एक इश्यू रहा है जिसकी वजह से इंडिया एंड पाकिस्तान की जो रिलेशन है वो ऑलवेज बिटर रहे हैं, झगड़े होते रहे, डिस्प्यूट्स होते रहे हैं एंड उसमें भी कश्मीर इश्यू जो है उसने फ्यूल टू फायर, आग में घी डालने का काम किया। उसकी वजह से जो बिटरनेस थी वो और इंक्रीज हुई बिकॉज पाकिस्तानी पीपल जो है उनको कश्मीर चाहिए एंड इंडिया जो है उसके लिए कश्मीर जो है वो हेड पर रखे क्राउन के जैसा है, किंग जो है वो अपना क्राउन कभी नहीं उतारता, क्राउन उसकी रिस्पेक्ट है, उसकी प्रेस्टीज है और उसके साथ साथ प्रेस्टीज होती तो शायद एक बार दे भी देते, बट वो हमारी नेचुरल बाउंड्री है जिससे जो नेक्सलिज्म है या जो इन्वेडर्स है जो बिना परमिशन इंडिया में एंटर हो सकते हैं उन्हें हम स्टॉप कर सकते हैं। देन कश्मीर में बहुत सारे ऐसे वैल्यूएबल ट्रीज एंड आयुर्वेदिक जो है मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन वो वहाँ पर ग्रो होती है एंड दैट्स वाई जो हिमालय माउंटेन एंड जो कश्मीर एरिया है उसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है इंडिया में और इसीलिए हम उसे पाकिस्तान को नहीं दे सकते, अदरवाइज पाकिस्तानी पीपल कभी भी इंडिया में विदाउट परमिशन आ जा सकते हैं
कभी भी अटैक कर सकते हैं। तो इस तरह से बिटरनेस जो है वो और ऐड होती जा रही है। पाकिस्तान एंड इंडिया जो है उनके बीच में 3 वॉर हुए, 1948, 1965, 1971, और ये तीनों वॉर में इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट किया। 2 अग्रीमेंट साइन किए गए, टस्केंट अग्रीमेंट एंड शिमला अग्रीमेंट, जो वॉर के बाद साइन किए गए थे, बट पाकिस्तान ने अग्रीमेंट का एक भी क्लॉज जो है उसे फॉलो नहीं किया। एंड पाकिस्तान फोर्स जो है उसने 1999 में कारगिल में एंटर होने की कोशिश की, और उस टाइम पर इंडिया जो है उसने अपनी मिलिट्री फोर्स का यूज़ करके उसे स्टॉप किया था। अगर आपको याद हो तो उसके ऊपर मूवी भी बनी है, LOC कारगिल। इंडिया ने 1998 में पाकिस्तान को फॉलो करते हुए न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट किया, एंड आज दोनों ही नेशन, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों नेशन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और ये बहुत ही सैड फैक्ट है कि पाकिस्तान जो उसने कभी भी फ्रेंडली रिलेशन के लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्स नहीं किया है, और इसीलिए इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशन आज भी एनिमिटी वाले हैं, फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। विद दैट वी आर फिनिशिंग ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। देन टू यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन जूम लेक्चर। थैंक यू ऑल।